लखनऊ नगर निगम मानसून में लोगों के सामने आने वाली दिक्कतों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी ने खबरें अभी तक से खास बातचीत में राजधानी लखनऊ में करवाए जा रहे विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी। हमारे साथ लखनऊ के नगर आयुक्त और पीसी संघ के अध्यक्ष जी इंद्रमणि त्रिपाठी जी। सर, लखनऊ की स्मार्ट सिटी की बातचीत चल रही, सरकार बहुत जोर से बातचीत कर रही, क्या इसके लिए आगे नियमावली बनी है? स्मार्ट सिटी में जो एबीडी एरिया है और पैन सिटी में, दोनों में काम चल रहे हैं। करीब हमारे 1300 करोड़ के टेंडर हो गए हैं और काम प्रगति पे हैं। इसमें मुख्य हैं ITMS, MSI और कमांड कंट्रोल सेंटर, साथ ही साथ स्मार्ट रोड भी बना रहे हैं हम लोग। सीवे से वर्षा ऋतु फिर आ गई है और लगातार लखनऊ की बात की जाए, पिछली बार की बात की जाए, यहाँ तक मंत्री के आवास में पानी चला गया था, इस बार लेके देखा जाए तो कुछ नई प्रक्रिया बनाई गई? नहीं, अब की हम लोग पूरा सतर्क हैं और अप्रैल से ही हम लोगों ने नालों नालियों का सफाई का काम शुरू कर दिया था। वाटर लॉगिंग एरिया है उस पर पहले से कंसंट्रेट कर रहे हैं, माइक्रो प्लान बना रहे हैं और 15 जून तक हम पूरी तरह से तैयार होंगे। सर, इस बार जैसे आपने कहा स्मार्ट सिटी की बात की, स्मार्ट सिटी की बात लगभग काफी समय से हो रही है, कई जगह जगह पे नए नए कैंप बनाए गए, बस स्टैंड बनाए गए, इस प्रक्रिया में क्या शौचालय को जिस प्रकार से अलग है उसमें कुछ अलग करेंगे? नहीं, बिल्कुल स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट ही अलग है। हर चाहे अर्बन मोबिलिटी नोड हो या ट्रैफिक सिस्टम हो या पैन सिटी में सॉफ्ट सॉल्यूशन हो, वो सारा ही स्मार्ट सिटी के सारे प्लान ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं और इम्प्लीमेंटेशन मोड में है। धन्यवाद बात करने के लिए। साथ तो इस प्रकार लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं या कहें फिर सरकार बिल्कुल तत्पर है, इसको देखते हुए नगर आयुक्त भी और लगातार प्रशासन भी बिल्कुल सख्त है और तेजी से कार्य कर रही है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आकाश यादव, खबरें अभी तक लखनऊ।